जिला कांगड़ा के झोल ज्वाली में 20 साल की छात्रा का शव बरामद हुआ है। हत्या के बाद शव जंगल में फेंक दिया गया था। युवती का शव अर्धनग्न हालत में पाया गया। उसके शरीर पर खरोंचों के निशान और जानवरों के काटने के जख्म भी थे। पिछले 5 दिनों से युवती लापता थी। 2 से 4 फरवरी को अपनी बहन के घर पर गई थी। उसके बाद उसने नर्सिंग कक्षा अटेंड करने की बात कहकर वो वहां से चली गई, लेकिन 5 फरवरी तक घर नहीं पहुंचने पर 6 फरवरी को परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस मामले को अंजाम दिया गया है, वो सोची समझी चाल लग रही है। पुलिस थाना ज्वाली के तहत झोल के जंगल में मिली युवती के शव के मामले में पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पत्रकार वार्ता के दौरान SP कांगड़ा संतोष पटियाल ने बताया कि आरोपी की पहचान सरन दास उर्फ संजू 36 वर्ष पुत्र जरन सिंह निवासी डोल के रूप में हुई है। सरन दास पेशे में मिस्त्री का काम करता है और उसके 3 बच्चे भी हैं। बताते चलें कि मृतिका की पहचान काजल के रूप में हुई थी। आरोपी मृतिका की बहन का रिश्तेदार है और दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। SP के मुताबिक आरोपी को कॉल डिटेल के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। मृतक काजल ने आखिरी कॉल आरोपी को ही की थी और उसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। जिस स्थान पर शव मिला है वहां पर भी दोनों की मोबाइल लोकेशन एक साथ थी। इसी साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने आरोपी को उसके ही गांव से गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस के अनुसार आरोपी ने अपने बयान में कहा है कि उसके काजल के साथ कुछ समय पहले से संबंध थे। अब वह उससे तंग आ गया था और उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, इसीलिए वह 5 फरवरी को उसे जंगल में ले गया और अपने हाथों से उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के उपरांत वह पंजाब में किसी शादी में शामिल होने के लिए चला गया। जिला कांगड़ा के SP संतोष पटियाल के मुताबिक काजल हालांकि 5 फरवरी को ही लापता हुई थी, लेकिन उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 6 फरवरी के दोपहर बाद 3:30 बजे पुलिस चौकी कोटला में दर्ज हुई थी। उसके बाद पुलिस उसकी तलाश में जुट गई थी। पुलिस जांच में काजल के मोबाइल नंबर की लोकेशन और कॉल डिटेल के लिए आवेदन किया गया था। SP ने बताया कि काजल का जो नंबर उसके परिजनों ने पुलिस को दिया था वह गलत था और दोबारा से 9 फरवरी को उसके परिजनों ने सही नंबर पुलिस को दिया, जबकि 10 फरवरी को पुलिस को काजल का शव मिला। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड पर भेज दिया गया है। झोल के जंगल में पुलिस स्टेशन ज्वाली के एरिया में जो डेड बॉडी बच्ची की मिली थी उसमें फॉरेंसिक साइंस की टीम भी गई थी, हम लोग भी गए थे, उसमें साइंटिफिक एविडेंसेस भी कलेक्ट किए गए हैं। उसके बेस पे जो जिस व्यक्ति ने इस बच्ची की हत्या की है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसने अपना अपराध भी कबूल कर लिया है। कितनी एज थी सर दोनों की, विक्टिम की और कल्प्रिट? जो विक्टिम है वो 21 साल की है और जो ये अक्यूज है ये 36 साल का है। ऐसा भी सुना है कि उसकी अर्धनग्न अवस्था में पाई गई बॉडी कुछ? हाँ, अर्धनग्न अवस्था में उसकी बॉडी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक अवेटेड है सर? अभी पोस्टमार्टम चल रहा है तो आई थिंक शाम तक या कल तक इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हम लोग को मिल जाएगी। कुछ पता चला इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में क्या कारण रहे हैं, हत्या क्यों की गई? अभी जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये पाया गया है कि ये विक्टिम और अक्यूज्ड लंबे समय से अपने कांटेक्ट में थे, दूसरे कांटेक्ट में थे, संबंधों में थे और ये जो अक्यूज्ड है ये अल्टीमेटली इसे छुटकारा पाना चाहता था लड़की से, इसलिए इसको वो जंगल में ले गया और उसके बाद आगे हत्या कर दी। शादीशुदा अक्यूज शादीशुदा है, उसके बच्चे भी हैं और ये बच्ची जो है वो विक्टिम अनमेरिड है। हालांकि पुलिस इस मामले को अब खत्म मान रही है, लेकिन जिस तरह से साक्ष्य स्पॉट पर जाकर मिले हैं उससे लगता है कि वहां कुछ और भी लोग इस हत्या को अंजाम देने में शामिल थे। स्पॉट पर दारू की बोतलें, 3 गिलास, प्लास्टिक के दस्ताने, जली हुई आग के कोयले मिले हैं। स्पॉट पर गए लोगों में इस मामले को लेकर काफी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि यह एक व्यक्ति का काम नहीं है, इसमें और भी लोग शामिल हैं। मंजीत जी क्या कहते हैं आप इस पूरे मामले को लेकर? कितने यार सभी जो लोग हैं वो सभी चला चला के बोलना चाहते हैं कि ये इंसाफ होना चाहिए, ये पब्लिक भी यही बोलते कि इंसाफ होना चाहिए, ऐसा मामला दोबारा कभी ना होना चाहिए। ये उसकी बहन ही हमारी सबकी बहन है तो हम ये ही सबसे ये दरख्वास्त करते कि ऐसा दोबारा से एक हादसा ना हो। आप क्या कहते हैं?
ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, ये बहुत शर्मनाक की बात है। ये हिमाचल देवभूमि को शर्मनाक करने वाली जिन्होंने हरकत करी और जो लड़की हुई है। पुलिस ने गिरफ्तारी तो करी ली है, अब आप क्या कहते हो? पुलिस ने तो गिरफ्तारी की है, लेकिन इस मामले की पूरी तफ्तीश होना चाहिए ताकि और भी जो इसमें एक आदमी का हाथ तो नहीं होगा, और भी कई आदमी जो है इन्वॉल्व होंगे, तो उनका पूरी छानबीन होना चाहिए। आपको क्यों लग रहा है कि इसमें और भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है? सर, अकेले बंदे का काम है नहीं, ये इसमें तीन चार बंदे हो जाते हैं और मार कीजिए बिल्कुल इंसाफ। तो आप क्या कह रहे हैं कि पुलिस से, मतलब क्या डिमांड है अब आपकी? सर, डिमांड ये है कि इन्वेस्टिगेशन अगर की गई तो पांच दिन क्या इन्वेस्टिगेशन हुई और पुलिस ने क्या किया? अगर कोटला थाने में अगर रिपोर्ट 5 तारीख को जमा हो गई थी तो उसके बाद पुलिस ने ऐसी स्टेटमेंट क्यों दी कि लड़की का पता नहीं है, लड़की कहीं भाग गई है? मतलब इस तरह की स्टेटमेंट देने की बजाय अगर इन्वेस्टिगेशन हुई होती तो शायद लड़की के साथ ऐसा नहीं होता। तो हमें जस्टिस चाहिए सर। बोलिए, आपकी लड़की गायब हुई है ना, कितने साल की? 20 साल की। बोले फोन है या बोले जोड़ कुत्ते ता बस है, बोले मिली है, बोले देख लो, बोले आके इसके बाद पता नहीं कौन गया था, कौन मेरे को कुछ पता नहीं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतने दिन तक पुलिस ने युवती की तलाश क्यों नहीं की? क्या पुलिस अब इस मामले को बंद कर देगी? टांडा मेडिकल कॉलेज में मृतिका युवती के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। कांगड़ा के नर्सिंग की छात्रा की हत्या और बलात्कार की घटना पर एबीवीपी के छात्रों ने जयराम सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के छात्र संगठन ने कानून व्यवस्था पर पूरी ही सरकार को घेरा है। 20 वर्षीय युवती के संदिग्ध हालत में मौत पर विद्यार्थी परिषद ने आरोप लगाया है कि सरकार कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की बजाय तबादलों में व्यस्त है। आज का ये धरना प्रदर्शन शाहपुर में घटित घटनाक्रम काजल हत्याकांड को लेकर था, जिसके तहत आज विद्यार्थी परिषद ने जिला मुख्यालय धर्मशाला में ये धरना प्रदर्शन किया। विद्यार्थी परिषद के ये कहना है कि हाल ही में कुछ महीने पहले घटित गुड़िया हत्याकांड का लांछन अभी प्रदेश के माथे से हटा नहीं था कि एक और घटनाक्रम इस प्रदेश में होती है। इस प्रदेश को शर्मसार करने वाला एक और घटना इस हिमाचल प्रदेश शांतिप्रिय, जैसे जो पूरे देश में प्रचलित है कि ये प्रदेश शांतिप्रिय प्रदेश है, और इस शांतिप्रियता को भंग करने के लिए एक और घटना हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, जिला कांगड़ा के शाहपुर में होती है। तो विद्यार्थी परिषद ये मानती है कि इस घटनाक्रम में लिप्त आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए ताकि हिमाचल प्रदेश में रह रहे लोग या आरोपियों को ऐसी कभी हिम्मत ना आ सके, ताकि कभी ऐसी घटनाक्रम को दोबारा से अंजाम तक पहुंचाया जा सके। एसपी साहब बोल रहे हैं कि उन्होंने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, उसके बारे में जी वो कह रहे हैं। देखिए, ये मानना है, अगर मैं ही 5 मर्डर करके आ जाता हूँ और मैं बोलता हूँ पुलिस प्रशासन में मैंने 5 मर्डर किए, ठीक है, वो दोनों कबूल कर रहा है, लेकिन हमारा मानना है 5 तारीख को FIR होती है माता पिता द्वारा, लेकिन 5 तारीख के बाद 10 तारीख को उस लड़की का शव मिलता है, तो 5 दिन तक पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? ये एक सोचने का विषय है कि पुलिस प्रशासन ने क्यों ठोस कार्रवाई 5 तारीख के साथ ही, जो उस FIR के साथ ही शुरू क्यों नहीं की? ये विद्यार्थी परिषद मानती है कि उस समय अगर कार्रवाई की गई होती तो मुझे लगता है कि ये घटनाक्रम अभी पूरी तरीके से सबके सामने अभी आया भी नहीं है, लेकिन अगर 5 तारीख को ही घटना के साथ ही, अगर मुझे लगता है घटना अगर बाद में घटी है तो पहले अगर FIR के साथ ही अगर कोई कार्रवाई करना शुरू कर दी होती तो मुझे लगता है कि आज लड़की जिंदा होती हमारे बीच होती।